बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ड्रग्स। अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन पर भी क्लिक कर लें। इस तरह मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का रिव्यू है पॉन्ड्स एज मिराकल रिंकल कोरेक्टर क्रीम के बारे में, जो कि एक डे क्रीम है और इसमें SPF 15+ PA++ है और इसका जो नेट वेट है वो 50 ग्राम्स है। पॉन्ड्स एक बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, इसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे फेस वॉश क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल और फेमस ब्रांड है। एज मिराकल का जब भी हम नाम किसी भी क्रीम पर या फेस वॉश पर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो लोग जो मतलब लेट 30s या लेट 40s में हैं, वो लोग ही सिर्फ एज मिराकल क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि एंटी एजिंग क्रीम होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हमने किस उम्र से इस क्रीम को लगाना इस्तेमाल करना है। सो अगर आप अपने मिड 20s में हैं तो आप एंटी एजिंग क्रीम जो है वो लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये हमारी एजिंग के प्रोसेस को जो है वो स्लो कर देती है। सो इसलिए कि नहीं होता कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग लेट 30s 40s में तो हमें तभी इसको लगाना इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिड 20 से आपने इसको अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना लेना, इस तरह आपकी जो स्किन पर फेस पर रिंकल्स फाइन लाइंस जो है लाफ लाइंस शो होती हैं वो बिल्कुल भी शो नहीं होंगी। बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो पॉन्ड्स एज मिराकल रिंकल करेक्टर जो है एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में जो है आती है। इस बॉक्स के ऊपर इसकी क्लियरली डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट जो है मेंशनड है। पॉन्ड्स जो है एज मिराकल रिंकल करेक्टर में ये एक डे क्रीम है, इसमें नाइट क्रीम भी आती है। आप देख लें कि आपने डे क्रीम यूज़ करनी है या नाइट क्रीम यूज़ करनी है। डे में जो है मैं पॉन्ड्स की एज मिराकल क्रीम यूज़ करती हूँ और नाइट में मेडिकेटेड क्रीम आजकल यूज़ कर रही हूँ जो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की है। उस पर भी मैं इंशाल्लाह ताला एक महीने के बाद रिव्यू पोस्ट करूँगी। किसी भी क्रीम को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ लाजमी यूज़ करें, क्योंकि रिजल्ट 1 मंथ के बाद ही मिलना स्टार्ट होते हैं। ये क्रीम क्लेम ये करती है कि ये आपकी स्किन को रेडिएंट यूथफुल लुक देती है और आपकी स्किन को इनसाइड और आउटसाइड दोनों से स्ट्रेंथन करती है और आपकी स्किन यूथफुल हो जाती है। सो ये जो क्रीम है इस पर इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स और इसके साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट मेंशन्ड है। और ये जो क्रीम मैंने परचेज़ की हुई है ये मेड इन इंडोनेशिया है। ये एक डे क्रीम है तो आपने इसे दिन में ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें SPF 15+ है जो आपकी स्किन को यूवीए रे से जो है बचाता है। सो आपने इसे मॉर्निंग में फेस क्लेंस करने के बाद, किसी भी अच्छे फेस वॉश से वॉश करने के बाद सर्कुलर मोशन में डॉटेड फॉर्म में इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको विद इन डेज जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने कोई भी क्रीम जब फेस पर लगाएं तो उसको रेगुलर लाजमी यूज़ करें, क्योंकि रेगुलर आप यूज़ करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। डे क्रीम को कभी भी नाइट में और नाइट क्रीम को कभी भी डे में अप्लाई मत करें, ये गलती मत करिएगा। और इसमें SPF है, अगर इसको आप रात को अप्लाई करेंगे तो आपके ओपन पोर्स हो जाएंगे। इस क्रीम के प्राइस जो है वो 1200 रुपीज़ है। ये आपको कॉस्मेटिक शॉप से, ये आपको दराज.PK से आसानी से मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट को है परचेज़ करें। जो मैंने ये क्रीम परचेज़ की है ये मेड इन इंडोनेशिया है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ की क्रीम जो है एंटी एजिंग मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपने किसी भी रिलायबल सेलर से इसको परचेज़ करना है। 50 ग्राम की जो क्रीम है ये एक ग्लास टब में आती है जिसके ऊपर स्क्रू कैप है, और जो है क्रीम के बॉटम पे भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट मेंशन है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपका बॉक्स गुम हो जाता है तो आप इस क्रीम के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्रीम कब एक्सपायर हो रही है। इसके ऊपर कोई भी मेंशन नहीं है कि ये किस स्किन टाइप के लिए है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये तमाम स्किन टाइप के लिए है। सो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो, पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है, ग्लास टब है, तो बी केयरफुल कि जब भी आप यूज़ करें तो बिल्कुल इसको केयर के साथ किसी जगह पर रखें, क्योंकि अगर ग्लास या ये टब टूट गया तो आपकी क्रीम ज़ाया हो जाएगी। सो आप जब भी इसको रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आप ख़ुद फील करोगे कि आपकी रिंकल्स फाइन लाइंस जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और रेगुलर आपने यूज़ करना है। 1 मंथ के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। सो जो ये ग्लास टब है इसके ऊपर जो है एक प्लास्टिक लड है जो आपकी क्रीम को जो है वो सेफ रखती है, ड्राई नहीं होने देती है। सो जो क्रीम का टेक्सचर आप देख सकते हो, कलर देख सकते हो, क्रीम जो है वो पिंक कलर में है और इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है। ये मेरी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है, तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले डरती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देंगे, और कुछ टाइम के बाद ऑयल जो है वो क्लियरली फेस पर नज़र आता है। सो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने इस क्रीम को जब यूज़ किया है तो मेरे ये क्रीम जो है इसको लगाने के बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पर जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी इसमें एक तो शिमरी पार्टिकल्स हैं और सेकेंडली ये जो स्किन को कुछ ग्रीसी कर देती है। क्रीम की जो भी क्वांटिटी आप फेस और नेक पे लगाओगे बिल्कुल डॉटेड फॉर्म में आपने लगानी है, और एक पी साइज़ जो मटर का दाना होता है उससे भी कम क्वांटिटी में आप लगाया करें, क्योंकि क्रीम जो है कम या ज़्यादा लगाएं उससे काम सेम करना है, तो इसलिए कम ही लगाएं तो बेहतर है।
तो ये आप देख सकते हो कि ये वाइट कास्ट भी छोड़ता है, आप जैसे जैसे अपनी स्किन पर लगाओगे ये इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा। बहुत लाइट वेट है ये, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरेंट है, जैसे पॉन्ड्स के बाकी प्रोडक्ट्स की होती है, और कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाती है देर पा, वो जो है फ्लोरल फ्रेग्रेंस नहीं है इसकी। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो विजिबल है, लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हो वाइट कास्ट है, सेकेंडली ये रेडिएंट एंड ग्लोइंग है, सो जो है वो हैंड पे आप क्लियरली डिफरेंस इसका देख सकते हो। इसी तरह जिस तरह आप फेस पर इसको लगाओगे तो आपके फेस पर जो है वाइट कास्ट आ जाएगी, और ग्लोइंग और रेडिएंट आपकी स्किन जो है इमिजिएटली रिजल्ट शो करेगी। ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं, ये एंटी रिंकल क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है, जो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देगी। और इस क्रीम के बॉक्स पर और क्रीम पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये जो है फेयरनेस क्रीम है, तो अगर आप फेयरनेस के लिए क्रीम यूज़ करना चाहते हो तो आप अपनी कोई भी फेयरनेस क्रीम इसमें ऐड कर कर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ एंटी रिंकल क्रीम है जो आपके चेहरे पे फाइन लाइंस को ख़त्म करेगी, लाफ लाइंस को ख़त्म करेगी, आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो करेगी। और ये ठीक 5 मिनट के बाद का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो इनविजिबल है। सो ये इसी तरह मेरे फेस पर भी ऑयल छोड़ देता है, लेकिन मुझे इससे रिजल्ट चाहिए तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेटल डाउन कर लेती हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ड्राई स्किन वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, ऑयली स्किन वाले अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो कॉम्पैक्ट पाउडर से लास्ट में इसको सेटल डाउन करें, 3 से 4 घंटे के बाद फिर आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना पड़ता है। मैंने 9 आवर्स इसको डेली बेस जो है वो ट्राई किया है, सो 9 आवर्स यूज़ के बाद मैंने ये देखा है कि 3 से 4 घंटे के बाद फेस पर ऑयल आ जाता है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर अपने बैग में लाजमी रखा करें, अपने मेकअप पाउच में, ताकि आप इसको आसानी से सेटल डाउन कर सकें। ये क्रीम काम करती है, लेकिन ये बहुत स्लो काम करती है, आप देख सकते हो कि 5 मिनट के बाद किस तरह से ऑयल आ गया है मेरे हैंड पर। सो कॉम्पैक्ट पाउडर लाजमी है ऑयली स्किन वालों के लिए, और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ड्राई स्किन वालों की स्किन पर इससे ज़्यादा अच्छा ये काम करेगी, और ऑयली स्किन वालों पर ये थोड़ा ऑयल छोड़ देती है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर लाजमी लगाना है आपने। जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो आप उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट लाजमी चेकआउट किया करें, नियर टू एक्सपायर प्रोडक्ट ना परचेज़ करें। और इस क्रीम की जो है वो शेल्फ़ लाइफ 3 ईयर्स है, सो ये क्रीम जो है 3 to 4 मंथ्स आसानी से अगर A1 पर्सन यूज़ कर रहा है तो ये आपकी चल जाएगी डे क्रीम। और अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो आप इसमें नाइट क्रीम भी परचेज़ कर सकते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि मैं एंटी रिंकल या एंटी एजिंग क्रीम क्यों यूज़ करूँ, क्योंकि अभी मेरी इतनी एज नहीं हुई है। सेम मैं आपको बताती चलूँगी, मैंने कुछ दिन से अपने फेस पर ये फील किया था कि मेरे जो फोरहेड पे जो फाइन लाइंस क्लियरली विजिबल हो रही हैं। सो मैंने जो है एक डर्माटोलॉजिस्ट से जो है कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे एंटी एजिंग क्रीम जो दी वो जो है वो नाइट क्रीम है, मैं उसको भी यूज़ कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे मुझे उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो मैं उस पर भी वीडियो पोस्ट करूँगी। और डे क्रीम के लिए मैं किसी अच्छी एंटी एजिंग क्रीम को जो है वो परचेज़ करना चाहती थी, तो मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ने यही सजेस्ट किया कि मार्केट में लॉरियल पॉन्ड्स की बहुत सारी क्रीम्स हैं और आप ट्राई कर लें। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये सोचा कि मैं पॉन्ड्स ट्राई कर लेती हूँ, तो पॉन्ड्स मैंने यूज़ करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, तो मुझे इससे काफ़ी विजिबल जो है वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। तो आपने अपनी रेगुलर रूटीन का इसे हिस्सा बनाना है। मरियम परवेज़ की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने फेयरनेस नाइट क्रीम्स का बताया, उन्होंने कहा कभी भी आप एक क्रीम पे रिलाई मत करें, तो अगर आप डे क्रीम भी यूज़ करें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी पॉन्ड्स के साथ एक और क्रीम लाजमी परचेज़ कर लें, अल्टरनेट डेज पर यूज़ करें ताकि बेटर रिजल्ट मिल जाए। कोई क्रीम अगर बंद भी हो जाए तो दूसरी क्रीम जो आपकी स्किन को सूट कर जाएगी। तो सो दो क्रीम्स लाजमी सब्सिट्यूट लाजमी लाइफ में होना चाहिए, सो सब्सिट्यूट आप लाजमी अपना रखो अपनी स्किन टाइप के मुताबिक। मेरी स्किन टाइप ऑयली है और ये मुझे सूट किया है। इसके साथ ही रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करिएगा अगर आपने इस क्रीम को यूज़ किया है या आप यूज़ कर रहे हो। सो एक न्यू वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।